नमस्कार, मैं बीना सानी आज फिर उपस्थित हुई हूँ, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हल्दी वाला दूध, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे कल परसों एक मैसेज आया था कि हल्दी वाला दूध भी आप जिस तरह से बनाती हूँ उस तरह से शेयर कर देना। तो मैंने सोचा चलिए आज हल्दी वाला दूध में किस तरह से बनाऊंगी और उसमें क्या डालूँ वही शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दो गिलास के करीब दूध लिया, एक गिलास पहले ऑलरेडी इसमें है और एक गिलास के करीब मैं और डालूंगी। इसमें दो गिलास के करीब मैं दूध ले रही हूँ, ये फुल क्रीम दूध है। आपके पास जो भी दूध आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने फुल क्रीम लेना है, गाय का दूध भी कुछ ले लेते हैं, वो गाय का दूध से भी बना सकते हैं। ये दो गिलास के करीब मैंने दूध ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी हल्दी। हल्दी है ये दो चम्मच के करीब है। गुड़ ये भी दो चम्मच है, अपने टेस्ट के अनुसार कम मीठा लेते हैं तो भी दो चम्मच डेढ़ चम्मच ले सकते हैं। कुछ इसमें काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है और जिसे मैंने कूट लिया था इसमें गदरा कूट लिया था, इसको मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी। और इसमें मैं अपने डाल रही हूँ हल्दी, दो चम्मच के करीब डालूंगी। दो गिलास दूध है और इसको इतना पकाना है, इसको अच्छे से पकाना है ताकि हल्दी का टेस्ट अच्छे से रच जाए। और इसी में मैं दो चम्मच के करीब गुड़ डाल रही हूँ। आप शहद भी डाल सकते हैं, आप गुड़ नहीं है तो शहद डाल सकते हैं। चीनी मत डालना, चीनी से ज़्यादा बेटर गुड़ रहता है, इसका भी अपना एक अलग फायदा है। आप गुड़ डाल दीजिएगा और इसी में हम अब इसको इतना अच्छे से पकाना है कि इसमें ये हल्दी का जो टेस्ट है वो रच जाए। आपको मालूम है हल्दी के काफ़ी गुण होते हैं, जैसे आपको पता ही है बच्चे लोग अक्सर जब पढ़ते बच्चे थे तब गिर जाते थे या साइकिल चलाते गाड़ी या अक्सर कभी भी गिर जाए तो माँ बाप पहले उन्हें हल्दी का दूध देते थे, उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। काफ़ी बेनिफिट है इस हल्दी के दूध के। और कई लोगों ने तो अपने ब्रेकफास्ट में इसको ऐड किया हुआ है, क्योंकि मैं तो कई लोगों को देखा है वो मॉर्निंग में हल्दी का दूध लेते हैं जिसमें कसा हुआ बादाम डाल देते हैं। ये स्किन के ग्लो के लिए अच्छा है, पेन जॉइंट के लिए अच्छा है, ये काफ़ी फायदेमंद दूध है। और अभी ये इसको मैं कम से कम 10 मिनट के लिए कड़ाऊँगी। काफ़ी अच्छा कट चुका है, हल्दी कच्ची भी मिलती है, सब्जी वालों ने भी रखी हुई है, लेकिन हमारे सब्जी वाले पास नहीं तो मैंने ये पाउडर भी आप डाल सकते हैं और काफ़ी फायदा करते हैं। बच्चों के दिमाग को काफ़ी अच्छा शार्प करता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हल्दी वाला दूध दीजिए। और आप तो काफ़ी लोगों ने इसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लिया है और सभी लोग पी रहे हैं हल्दी वाला, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप हल्दी वाला दूध पीजिएगा। तो आज मैंने सोचा, मेरी फ्रेंड का जब व्हाट्सएप पे कल मैसेज आया है कि आपको ये जरूर शेयर करना, तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ। हल्दी वाला दूध इतना अच्छा पक चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। हल्दी के तो काफ़ी फायदे हैं सभी लोग जानते हैं, और इसको छान लेंगे। इसको अच्छे से आपने छान लेना है, इस तरह से आपने छान लेना है। और आपको मैंने बताया ये हल्दी के कई गुण है, बच्चों को दीजिएगा हल्दी वाला, माइंड शार्प करता है, पढ़ने वाले बच्चों को दीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद करता है, जॉइंट के लिए पेन होता है तब इसको हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, काफ़ी फायदे हैं इसके। आज मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर करती हूँ कि हल्दी वाला दूध मैं किस तरह से बनाती हूँ। आपने इसमें थोड़े से दो लौंग ले लेने हैं, दो तीन इलायची, छोटी इलायची ले लेनी है, गुड़ या शहद मैंने दो गिलास के करीब बनाया है। तो आप इस तरह से बनाइएगा, पीजिएगा, आजकल प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी फायदेमंद है। मिलूंगी मैं आपसे एक से एक नई शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।